आटा, गुड़ और गोंद से बनने वाला ये लड्डू अगर आप एक पीस हर रोज़ खा लेंगे तो आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो ये लड्डू उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास सर्दियों के लिए बहुत ही अमेजिंग आटे और गुड़ की बनने वाली पिन्नी यानी कि लड्डू। इस लड्डू को आप आराम से एक महीने तक फ्रिज में या फिर बाहर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो आइए देखते हैं इस लड्डू को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करके उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे आज गाय का घी इस्तेमाल किया है और इस वक्त हम घी को मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे गोंद, जिसको एडिबल गम कहा जाता है। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में घी के अंदर फ्राई करना है। तो इनको बैचेस में आप फ्राई कर सकते हैं। एक बार में अगर आप फ्राई करेंगे तो सारे गोंद अच्छे से फूलेंगे नहीं। और ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम में ये जो गोंद है ये अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे पफ हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये ज़रा सा गोंद इतना अच्छा से पफ हो चुका है, ये देखिए। इसको अब हम निकाल लेंगे और जो बाकी के गोंद है उसको भी हम पफ कर लेंगे। तो गोंद जो है मार्केट में छोटे बड़े सभी साइज़ के मिलते हैं, आप कोई भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बैच गोंद को फ्राई कर लिया है और अब मैं दूसरा बैच को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर का हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी। तो आप इस रेसिपी में चाहें तो गोंद का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको हल्का सा फ्लेवर चाहिए तो आप हल्का सा क्रंची के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा बैच गोंद का भी अच्छे से पफ हो चुका है और ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह पफ हो जाता है। इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है फूलने में। तो इस गोंद को भी हम निकाल लेंगे। गोंद बहुत ही सेहतमंद है, ये आपको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। इसे जोड़ों के दर्द या फिर बॉडी में कोई अगर वीकनेस की प्रॉब्लम है तो वो अच्छी रहती है। अब उसी कढ़ाई में हम एक छोटा चम्मच घी और डालेंगे और अब मैं यहाँ पे लूँगी बादाम। लगभग मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बादाम लिया है और बादाम को लो मीडियम फ्लेम में हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस वक्त बादाम को आप पूरा रोस्ट ना करें, जब ये ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा हो जाए तब इसमें हम काजू डाल देंगे और इसको संग में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों चीज़ों को अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बादाम में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने उसको पहले ही डाल दिया था। और 2 मिनट के अंदर जो काजू है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे, तभी इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें रोस्ट करूँगी कुछ मेलन सीड्स। तो आज मैंने यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स लिया है। आपके पास अगर ये है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी सीड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी या फिर खरबूजे के बीज। अब लास्ट में हम इसमें रोस्ट करेंगे नारियल का बुरादा। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, लेकिन इसको अगर आप डालते हैं तो इसका फ्लेवर लड्डू का बहुत ही इन्हांस हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज़रूर डालें। इनको भी हम हल्का सा बिल्कुल कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो अब जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था ये हल्का ठंडा हो चुका है। इस वक्त हम इन गोंद को हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी हल्का सा पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको कूट कर भी क्रश कर सकते हैं। गोंद को क्रश करने से क्या होगा कि जो उसका जो क्रंचीनेस है वो अच्छा से आएगा, बहुत ही अच्छा से कंबाइन हो जाएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। वरना यूजुअली क्या होता है कि जब आप गोंद का कोई भी कुछ बनाते हैं तो वो काफ़ी दांत में चिपकता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे तो उसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए, मैंने गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं उनको हम एक मिक्सी में डाल के हल्का सा कोर्सली पीस लेंगे। तो ज़्यादा पीसेंगे नहीं, इसको पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसको भी क्रश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बादाम, काजू और जो हमने सीड्स डाले थे उसको भी हम साथ में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इतना फाइन पाउडर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे मोटा भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस भी कर सकते हैं। ये सारी तैयारियों के बाद हम वापस से उस कढ़ाई में अब डालेंगे आधा कप के लगभग घी।
तो इस लड्डू में घी का इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन मैं आज इसमें इतना ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे बेसन। तो इस लड्डू को जनरली सिर्फ आटे से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीग्रेन करना चाहें या फिर हाई फाइबर करना चाहें तो आप इसमें बेसन या फिर कोई भी ऐसा आटा जैसे कि रागी वगैरह भी डाल सकते हैं। बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा भून लेंगे जब तक कि वो कलर चेंज हल्का सा नहीं कर जाता। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे कि हमारा मेन जो लड्डू है वो बनेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आटा से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बेसन डालते हैं तो इस लड्डू का जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो और भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। आटे को हम बिल्कुल लो फ्लेम में 20 मिनट तक लगभग भूनेंगे जब तक कि उसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाता। तो ये देखिए आटा अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, ये हल्का ब्राउनिश लग रहा है, यानी कि ये तैयार है। अगर आप आटे को कम भूनेंगे तो वो दांत में चिपक सकता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए आपको इस तरीके का कुछ कलर आटा का लेके आना है, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको भूनते रहना है। अब हम बना लेंगे गुड़ का जो सिरप है वो। तो एक कढ़ाई में आप ले लीजिए बिल्कुल ज़रा सा पानी, और यहाँ मेरे पास है जागरी यानी कि गुड़। आप इस रेसिपी में चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, इससे इसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। तो गुड़ को हमें सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है, इसका हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप चाशनी बना देंगे तो लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरीके से आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। और अब एक बड़ा सा कोई थाल या परात ले लें, उसमें सारे हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे एक के बाद एक। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ आटा डाल दिया है, इसी के साथ ही साथ जो हमने नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और जो गोंद कूट कर रखा था उन सब चीज़ों को डाल देंगे। और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें अब हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बनाया हुआ गुड़ का सिरप। तो जो गुड़ का सिरप हम डाल रहे हैं इससे इन लड्डुओं में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आएगा और लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी, साथ ही साथ इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ेगा और आपको ये लड्डू टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जो गुड़ हमने डाला है इससे जो आटा है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, लड्डू बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा अब भी बहुत ड्राई है, लड्डू नहीं बन पा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा और गुड़ के साथ पानी को मिलाकर बॉयल कर लीजिए और इसमें डाल के लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा लड्डू कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये तोड़ने में भी बहुत ही आसानी से टूट जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके अगर आपको कोई भी तरीके की वीकनेस है बॉडी में या फिर सर्दियों की वजह से बॉडी पेन है या एक्स है या जॉइंट पेन्स है, तो इस लड्डू को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको रात को डिनर करने का मन नहीं कर रहा हो तो आप सिर्फ इस लड्डू को खा सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, ये विंटर्स में स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो आप इस लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन खासकर जो अभी मौसम चल रहा है, जितनी बीमारियां चल रही है, उनमें ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद और असरदार होता है। तो आप इस लड्डू को आराम से बना कर रखिए, आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं इसको आराम से, या फिर अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी आटा गोंद गुड़ का पिन्नी बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें फेसबुक पर फॉलो ज़रूर से कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी रेसिपीज मिस नहीं करें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए Bye-bye and take care.